हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में जिसका नाम है कर्म एंड कंपनी। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच इज जनरली टेकिंग फ्रॉम 3rd of October। आज के सेशन में आपको जितने भी एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे करेंट अफेयर के, ठीक है, ऑल आर टेकन फ्रॉम 3rd of October 2019। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अंडर स्वच्छ भारत मिशन इंडिया बिल्ट हाउ मेनी टॉयलेट्स फॉर 60 करोड़ पीपल। हमें बताना है कि अंडर स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंडिया कितने टॉयलेट बनाने वाली है 60 करोड़ पीपल के लिए। हमारे पास ऑप्शन है 11 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़। चलिए आंसर देखते हैं। हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 11 करोड़। पीएम मोदी डिक्लेयर्ड इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री ऑन October 2, 2019। आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएम मोदी ने इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री अनाउंस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है October 2, 2019 को। एंड आफ्टर दैट द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस डेट इन 60 मंथ्स द गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रोवाइड 11 करोड़ टॉयलेट्स टू ओवर 16 करोड़ पीपल। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक और अनाउंसमेंट किया है कि वो 16 मंथ में गवर्नमेंट 11 करोड़ टॉयलेट्स प्रोवाइड करने जा रही है 60 करोड़ पीपल को। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, बहुत बड़ा एक मतलब कि आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो गवर्नमेंट के तहत। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। द यूके कोर्ट डिसमिस्ड पाकिस्तान्स क्लेम एंड रूल्ड इन फेवर ऑफ इंडिया इन अ लीगल बैटल इन्वॉल्विंग द फंड्स ऑफ 7th निजाम ऑफ हैदराबाद। हाउ मच फंड वाज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो अभी अभी आप सब जानते हो यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के क्लेम्स को डिसमिस्ड कर दिया है और इंडिया के फेवर में एक अनाउंसमेंट किया है। वो कैसा अनाउंसमेंट है मैं आपको बता दूं। एक लीगल बैटल चल रहा था फंड को लेकर 7th निजाम ऑफ हैदराबाद में। ठीक है, तो उस फंड को लेकर इंडिया के फेवर में अनाउंसमेंट मतलब कि आपको आया है डिक्लेरेशन यूके गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि कितना फंड इसमें इन्वॉल्व था इस 7th निजाम ऑफ हैदराबाद को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है 35 मिलियन यूरो, 12 मिलियन यूरो, 50 मिलियन यूरो और 45 मिलियन यूरो। हियर द करेक्ट आंसर इज 35 मिलियन यूरो। इंडिया हैज वॉन अ डिकेड्स ओल्ड लीगल डिस्प्यूट ओवर फंड्स वर्थ 35 मिलियन यूरो दैट बिलोंग टू द 7th निजाम ऑफ हैदराबाद एट द यूके कोर्ट। व्हाइल पाकिस्तान्स क्लेम ओवर द मनी वाज डिसमिस्ड। पाकिस्तान का जो क्लेम था मनी को लेकर उसे डिसमिस कर दिया गया है यूके कोर्ट के द्वारा और इंडिया के फेवर में ये अनाउंसमेंट दिया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह इन्वाइट टू अटेंड द इनॉग्रल इवेंट ऑफ करतारपुर कॉरिडोर इन पाकिस्तान। हमें बताना है कि इनमें से किस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया है पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह इनवाइट के द्वारा ताकि वो अटेंड कर सके इनॉग्रल इवेंट ऑफ करतारपुर कॉरिडोर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पहले सेशन में भी देखने को मिलेगा, तो इसका मैं आपको ज्यादा टाइम इसमें करूंगी, करेक्ट आंसर बता दी दूं। ये द करेक्ट आंसर इज फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा करतारपुर कॉरिडोर के इनॉग्रल इवेंट में। ठीक है, मैं फिर भी आपको पढ़ देती हूँ इंग्लिश में। फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पंजाब सीएम कप्तान अमरिंदर इनवाइट्स टू ज्वाइन द फर्स्ट गाथा टू करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान और नवंबर 9 को इनॉग्रल इवेंट है। मनमोहन सिंह विल ऑल्सो अटेंड द मेन इवेंट एट सुल्तानपुर लोधी इन पंजाब इंडिया। ठीक है, तो दो इवेंट को अटेंड करने के लिए मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया है, दो इवेंट को अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो दोनों इवेंट को अटेंड करने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है इस इवेंट इनविटेशन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऑल थ्री मेंबर्स ऑफ बीसीसीआई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी डेट वन इज कॉल्ड सीएसी, उन्होंने सबमिट किया है देयर रिजिग्नेशन रिसेंटली। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द मेंबर। तो मेंबर हमें बताने ऑप्शन इसमें कौन से ऐसे मेंबर नहीं है जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन रिसेंटली सबमिट नहीं किया। हमारे पास ऑप्शन है कपिल देव, संथा रंगस्वामी, अंशुमन गायकवाड़ और ऑप्शन डी रवि शास्त्री। हियर द करेक्ट आंसर इज रवि शास्त्री। ऑल थ्री मेंबर्स ऑफ बीसीसीआई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन रिसेंटली। द कमेटी हेडेड बाय कपिल देव ऑल्सो कंप्राइज्ड संथा रंगस्वामी एंड अंशुमन गायकवाड़। ठीक है, the members resigned from their post after they were served with a notice for conflict of interest by the BCCI ethics officer, retired justice DKJ. ठीक है, तो तीन
पर्सनैलिटी ने, तीन पर्सनैलिटी ने कमेटी के जो तीन मेंबर्स थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेजेंट किया है। उन तीन मेंबर्स का नाम है कपिल देव, संधा रंगस्वामी एंड अंशुमन गायकवाड़। और कौन किन्होंने अपने अपना रेजिग्नेशन प्रेजेंट नहीं किया है बीसीसीआई के सामने, इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई, डेट वन इज रवि शास्त्री। देखिए दिस वन इज द इमेज ऑफ रवि शास्त्री जिन्होंने अपना रेजिग्नेशन प्रेजेंट नहीं किया है इन फ्रंट ऑफ बीसीसीआई कमेटी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following scored his maiden test century during India's first test against South Africa? हमारे पास ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल। Here the correct answer is मयंक अग्रवाल। इंडिया ओपनर मयंक अग्रवाल स्कोर्ड हिज मेडन टेस्ट सेंचुरी ऑन October 3rd, 2019। आपने रिकॉर्ड फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप विद रोहित शर्मा इन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट ACAVDCA स्टेडियम विशाखापट्टनम। ठीक है, तो मयंक अग्रवाल ने अपना पहला मेडन टेस्ट सेंचुरी October 3rd, 2019 को स्कोर किया आफ्टर फर्स्ट रिकॉर्ड फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप विद राहुल शर्मा इन इंडियाज फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट South Africa at ACAVDCA Stadium, Visakhapatnam. This one is the image of Mayank Agarwal. इन्होंने अपना पहला मेडल सेंचुरी टेस्ट स्कोर किया है। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which country released postage stamps on the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi? हमारे पास ऑप्शन है इजराइल, फ्रांस, जर्मनी और इटली। Here the correct answer is France. ठीक है, On the occasion of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, a postage stamp bearing the photograph of Gandhiji has been issued in France. तो मतलब 150th इस बार 2019 को 150th birth anniversary था महात्मा गांधी का, जैसा कि आप सब जानते हो, तो फ्रांस ने पोस्टेज स्टैम्प इशू किया है। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी का एक इमेज आपको देखने को मिलेगी पोस्टेज स्टैम्प पर। ठीक है, फ्रेंच पोस्टल सर्विस कंपनी ला पोस्टे, ठीक है, फ्रेंच पोस्टल सर्विस कंपनी का नाम ला पोस्टे है, हैज रिलीज्ड दिस स्टैम्प। इन्होंने स्टैम्प को रिलीज किया। सिमिलर स्टैम्प्स वेयर इशूड ऑन गांधी जयंती इन मेनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, उज़्बेकिस्तान, तुर्की, पैलेस्टाइन एंड अदर कंट्रीज। चलिए मैप में आपको मैं दिखा दूँ, दिस वन इज द इमेज ऑफ, जो आपको येलो कलर में आपको जितना भी दिख रहा होगा ये बाउंड्री है, ये फ्रांस है। ठीक है, और कैपिटल आपको पेरिस यहाँ दिख रहा है, और आप देख सकते हो कौन कौन से कंट्री के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर करा है। फर्स्ट वन इज स्पेन, ठीक है, सेकेंड वन इज आपको यहाँ पर ब्रजल्स दिख रहा होगा, बेल्जियम मीन्स आपको देखने को मिल रहा होगा, यूरोप एक कंट्री के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, इटली के साथ भी अपने कंट्री को शेयर कर रहा है बॉर्डर को, स्विट्जरलैंड के साथ भी कर रहा है, जर्मनी भी है आप देख सकते हो, ब्रजल्स के साथ भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कंप्लीट बैन ऑन टोबैको एंड पान मसाला प्रोडक्ट्स इन द स्टेट? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि वो कंप्लीटली बैन करने जा रही है टोबैको और पान मसाला प्रोडक्ट्स, ठीक है, अपने स्टेट में? हमारे पास ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। सो हियर करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान हैज इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन ऑल टाइप ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज, एडवर्टाइजिंग एंड सेल ऑफ पान मसाला प्रोडक्ट्स। अर्लियर टू स्टेट्स महाराष्ट्र एंड बिहार हैज ऑल्सो बैन टोबैको एंड पान मसाला प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो राजस्थान थर्ड स्टेट बन गया है जिन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिया है सेलिंग पर, स्टोरेज पर, एडवर्टाइजिंग पर, ठीक है, पान मसाला प्रोडक्ट्स एज वेल एज टोबैको प्रोडक्ट्स पर। इसके पहले दो स्टेट ने भी ये बैन कंप्लीटली बैन किया था इन प्रोडक्ट्स पर, फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र एंड सेकेंड वन इज बिहार। चलिए मैं आपको राजस्थान दिखा दूँ मैप में, दिस वन इज द इमेज ऑफ राजस्थान, आप देख सकते हो पाकिस्तान के साथ ये अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड स्टेट्स के साथ पंजाब है फर्स्ट वन, हरियाणा है, दिल्ली भी, दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गुजरात के साथ ये अपने स्टेट बॉर्डर को शेयर कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF? किसी अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिया के लिए IMF में। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है राजीव गोपालाचारी, सुजीत भल्ला, एस नरीमन और विवेक मोहन। सुजीत भल्ला, ठीक है, सुजीत भल्ला इज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट। सुजीत भल्ला एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है एंड साथ ही साथ फॉर्मर मेंबर ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं।
Earlier, RBI's former deputy governor, Subir Gokarn, was working as India's executive director as IMF, but he died on July 13 this year. This one is the image of Sujit Bala. Bahut bade economist hai, bahut bade personality. Chaliye, ninth question dekhe. PM Narendra Modi released a commemorative coin worth this much value on Mahatma Gandhi's 150th birth anniversary. 150, 200, 250 or 300. Here the correct answer is rupees 150. Prime Minister Narendra Modi paid tribute to the father of nation Mahatma Gandhi at the Sabarmati Ashram in Ahmedabad to mark the 150th birth anniversary and released a commemorative coin worth rupees 150 on the occasion. So 150 ka coin release kiya gaya hai on the occasion of Mahatma Gandhi Jayanti. Theek hai, chaliye aaj ke session ka last question dekh le. The newly launched Vande Mataram train will take how many hours to reach Katra from Delhi? Marbas option 11 hours, 10 hours, 9 hours or 8 hours. Here the correct answer is option D, 8 hours. Home Minister Amit Shah flagged off India's fastest train Vande Mataram Express on October 3rd, 2019. Here the train will reach Vaishno Devi Katra from Delhi in 8 hours while other trains usually take 12 to 13 hours. ठीक है, तो बहुत speed वाली train है ये, जो कि आपको 8 hours में कतरा पहुंचा देगी दिल्ली से. Here the train has total 16 coaches with 16 car chair car coaches. ठीक है, I hope आपको ये आज का session पसंद आया होगा. अगर आपको आज का session पसंद आया हो तो please इस session को लाइक एंड शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें. तो मिलेंगे एक नए सेशन में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.